राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम भागीदारी का सुख। उस शाम जब असलम और उसका प्रिय मित्र अर्जुन स्कूल से वापस लौट रहे थे, तब उनके चेहरों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उस दिन स्कूल में आई महिला के भाषण से वे बहुत प्रभावित हुए थे। जिस संस्था से वो महिला आई थी उसका नाम था चलता फिरता स्कूल। वे दोनों बड़े जोश के साथ उस महिला द्वारा कही गई बातों पर चर्चा कर रहे थे और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संगठन का स्वयंसेवक बनने की ठान ली। उस महिला ने उनका ध्यान शहर में बसने वाले गरीबों की दुर्दशा की ओर दिलवाया था। वे ये भी जानना चाहती थी कि क्या उस पाठशाला के छात्र और छात्राएं गरीबों के कठिन जीवन से परिचित हैं। महिला ने शहर में काम कर रहे मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन किया। ये मजदूर विभिन्न नगरों से रोजी रोटी की खोज में शहर आए थे और दैनिक मजदूरी पर कार्य करते थे, जिसका परिणाम ये था कि अगर किसी दिन उनका स्वास्थ्य ठीक ना होता और वे काम पर ना जाते तो उन्हें मजदूरी ना मिलती। पुरुष प्रायः कारीगरी का काम करते थे, जैसे मिस्त्री, बढ़ईगिरी, लोहा जोड़ने, फिटिंग आदि का काम, जबकि स्त्रियां ईंटें, सीमेंट, मिट्टी आदि ढोने का काम करती थीं। उनके बच्चे उन्हीं के साथ एक जगह से दूसरी जगह सदा घूमते रहते थे। इस कारण उन्हें ठीक प्रकार की शिक्षा ना मिल पाती। वे आपस में खूब खेलते, झगड़ते और अपने माता-पिता की सहायता भी करते। उस महिला ने बताया कि ये बड़े दुख की बात थी कि उन मासूम आंखों वाले बच्चों को पाठशाला जाने के बजाय मजदूरी ही करनी पड़ती, और इसी कारण कुछ व्यक्तियों ने आपस में मिलकर स्वयं सेवकों की सहायता से इन बच्चों के लिए एक मकान में कक्षाएं लगानी प्रारंभ की, और जो भी थोड़ी बहुत चीजें उनके पास थी उन्हीं से वे काम चलाने लगे। धीरे धीरे उनके माता पिता भी इन कक्षाओं में रुचि लेने लगे और उन्होंने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की मांग की, और इसी कारण ये महिला विभिन्न पाठशालाओं में जाकर शिक्षकों तथा छात्रों के बीच से स्वयं सेवक इकट्ठे कर रही थी। ये सब सुनने के बाद असलम तथा अर्जुन ने ये निश्चय किया कि वे अवश्य इस कार्य में हाथ बटाएंगे। अगले शनिवार को अपनी अपनी माँ से अनुमति लेकर स्कूल के बाद वे इस महिला से मिलने उसके निवास स्थान गए। वहां पहुंचकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने अपने भूगोल के अध्यापक श्री माधव को वहां पाया। उन्होंने वो काम चलाओ स्कूल देखा और उन दोनों को अपनी आंखों तथा कानों पर विश्वास ही ना हुआ। एक कमरे में 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे छोटे छोटे समूहों में जमीन पर बैठे थे। कुछ बच्चों के हाथों में स्लेटें और कुछ के हाथों में पुरानी कॉपियां थीं। वे चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे और सीखने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ते थे। माधव साहब बहुत ही योग्य और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक थे।
वे कुछ बच्चों को कक्षा से बाहर लेकर आए और चित्र बनाने में उनकी सहायता करने लगे। अर्जुन उनके साथ हो लिया। असलम ने एक कोने में कुछ लड़कों को जमा किया और उन्हें गणित सिखाने में लग गया। उन लोगों को पता ही ना चला कि कैसे 3 घंटे बीत गए। जब वे घर लौटे तो उनके चेहरे पर आत्मसंतोष की एक चमक थी। जीवन में पहली बार वे उन अभावग्रस्त बच्चों से मिले थे और जो कुछ भी उन्हें आता था उनके पास था। उसे बांटने में कितना अच्छा लगा था। अब वे हर शनिवार जाने लगे और जल्दी ही ये दिन उनके लिए सप्ताह के सब दिनों में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। उन बच्चों के जीवन के साथ उनके संबंध इतने अटूट हो गए कि वे उनके जीवन को हर तरह से सुंदर बनाने की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने अपने अध्यापक माधव साहब से अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा की और मुख्य अध्यापक से ये अनुमति मांगी कि वे पाठशाला के अन्य छात्रों को इन निर्धन बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में समझा सकें। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे पैसे और कपड़े एकत्र किए। इन पैसों से उन्होंने बच्चों के लिए मिठाइयाँ और छोटे छोटे उपहार खरीदे और 26 जनवरी के दिन ये सभी सामान ले जाकर बच्चों में बांट दिया। वे अपने साथ उस दिन कुछ बड़े बच्चों को भी लेकर गए थे जिन्होंने उन्हें नए गाने और नए खेल भी सिखाए। बच्चों ने इससे भागीदारी का अर्थ समझा। इसका मतलब केवल जरूरतमंद बच्चों को पैसा, कपड़े, किताबें आदि देना ही नहीं था, अपितु अपना समय, अपनी शक्ति, अपना साथ और अपना स्नेह प्रदान करना भी था। बात कितनी विचित्र, किंतु सच है कि हम सिर्फ तभी एक तात्कालिकता की भावना से कार्य करते हैं जब कोई स्थिति या बात हमारे मर्म को छूती है। यद्यपि हम प्रतिदिन अपने चारों ओर गरीबों को देखते हैं, लेकिन शायद हम ये मान लेते हैं कि यही उनका भाग्य है। कभी कभी हम उनके दुखों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे मन में समाज के प्रति और उसकी समस्याओं के प्रति चिंता नहीं होती। क्या शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर, डिग्री हासिल कर, अपने चारों ओर के लोगों से पूरी तरह से कटकर नौकरी प्राप्त कर सिर्फ अपना जीवन संवारना ही है, अथवा इसमें हर व्यक्ति के प्रति आदर हो, भले ही वो व्यक्ति गरीब, दुखी, अपाहिज, भिखारी या अभावग्रस्त ही क्यों ना हो। इन बातों पर सोचो और ये जानने का प्रयत्न करो कि स्कूली शिक्षा में इन सब को कैसे लाया जा सकता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा अवसर मिला है कि तुम ऐसे लोगों की चिंता करो जो अभावग्रस्त हैं? क्या हम लोग उन तरीकों की चर्चा कर सकते हैं जिनके जरिए हम दूसरे लोगों की जिंदगी को समृद्ध करने में योगदान कर सकते हैं? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।